सबसे बड़ा तेरा नाम। शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली बिगड़े बना दे मेरे काम नाम। जय श्री कृष्ण और राधे राधे। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है जिम्मी ने आप लोग चैनल पर। और दोस्तों अभी फिलहाल बदला बदला सा व्यू नजर आ रहा होगा, क्योंकि ये व्यू है मेरे जो छोटे भाई है मतलब हाउसिंग बोर्ड में रहते हैं, हमारे दूसरे वाले घर का व्यू है और यहीं पर पास में बंधन गार्डन, तो हम लोग वहां पर जा रहे हैं डांडिया खेलने के लिए। फिलहाल नेहा नहीं जा रही है, नेहा की तबीयत थोड़ी खराब है और युवंश की भी तबीयत थोड़ी खराब है, तो फिलहाल यहाँ पर बस केवल मैं जा रहा हूँ और मेरे जो कजिन भाई बहन है वो जा रहे हैं और कजिन भाई बहन के दोस्त वगैरह वो लोग जा रहे हैं और जो गौरव है मतलब मेरा जो छोटा भाई है उसकी जो वाइफ है भावना, तो हम सब मिलकर जा रहे हैं डांडिया के लिए। तो दोस्तों फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि हम लोग आपके लिए स्पेशल वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों वहां पर चलते हैं बंधन रिसोर्ट में और डायरेक्ट मिलते हैं आपको वहां पर और दिखाते हैं आपको आज की गरबा नाइट। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपको देखने को मिलेगा इस बार का दशहरा स्पेशल ब्लॉग भी। तो चलिए दोस्तों फटाफट से ज्यादा देर न करते हुए चलते हैं रिसोर्ट में, क्योंकि टाइम भी हो चुका है, 8 बज चुके हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको डायरेक्ट रिसोर्ट में। तो दोस्तों यहाँ पर फिलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं, मैं हूँ और मेरे जो कजिन भाई बहन है और छोटे भाई की वाइफ है भावना, हम सब लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं बंधन गार्डन में और नमस्ते गरबा की अब शुरुआत होने वाली है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको दर्शन करवा देते हैं माता रानी के, तो आप लोग माता रानी के दर्शन करिए और फिर यहाँ से ही शुरुआत हो जाएगी गरबे की, तो फिर उसके बाद गरबा स्टार्ट हो जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पर आपको हम व्यू भी बताने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि डांडिया वगैरह सब कुछ है और यहाँ का व्यू आप देख सकते हैं, कितनी अच्छी लाइटिंग है, कितना अच्छा डेकोरेशन है यहाँ का। ये बंधन गार्डन का व्यू है सारा का सारा और यहाँ पर जगह जगह सेल्फी स्टैंड भी लगाए हुए थे। यहाँ पर जो पास की रेट थी वो रेट थी 150 रुपये। तो प्रोग्राम अभी स्टार्ट नहीं हुआ था क्योंकि हम लोग थोड़ा जल्दी आ गए थे और जो यहाँ पर चीफ गेस्ट वगैरह थे वो नहीं आ पाए थे, तो प्रोग्राम अभी स्टार्ट नहीं है, लेकिन कुछ ही देर में प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जब तक हम आपको यहाँ का व्यू बता देते हैं और सब लोग अलग अलग ड्रेसेज में आए। ये है मेरा कजिन भाई और ये है इसका फ्रेंड। तो दोस्तों यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है डांस वगैरह की, आप लोग देख सकते हैं कि अब सब लोग डांस वगैरह करने में लग चुके हैं और डांडिया तो कम, यहाँ पर डांस ज़्यादा हो रहा था क्योंकि सब लोग आए इन्जॉय करने के लिए। तो यहाँ पर 150 रुपये एंट्री फीस थी पास के जरिए। तो फिलहाल यहाँ पर हम लोग 6 जने आए थे और यहाँ पर मतलब सब लोग अभी मस्ती में मस्त हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं इस प्यारी सी नाइट की। वैसे तो हमारा डांडिया में आने का प्रोग्राम नहीं था क्योंकि नेहा की तबीयत ख़राब हो रही थी और युवंश की भी थोड़ी बहुत ख़राब हो रही थी और मेरी भी ख़राब हो गई थी, लेकिन कजिन भाई बहन काफ़ी मतलब पीछे पड़े मेरे और यहाँ पर हम लोग आ ही गए। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि सब लोग अलग अलग रंग बिरंगी ड्रेसेस वगैरह में आए हुए हैं, कुछ लोगों ने अलग ही ड्रेसेस पहनी हुई है जो कि गरबे वगैरह में पहनते हैं गुजरात साइड में उस तरह की ड्रेस। तो फिलहाल आप लोग देख सकते हैं सब अपनी अपनी धुन में मस्त होकर गरबे का आनंद ले रहे हैं और नवरात्रि के 9 दिन तक मतलब बड़ी गजब की धूम होती है। दोस्तों बात की जाए गरबा डांस की तो वो सबसे ज़्यादा फेमस तो वैसे गुजरात में है और गुजरात के बाद धीरे धीरे प्रचलन हर जगह बढ़ता गया और अब हर सिटी वाइज चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो MP हो, चाहे वो कहीं का भी क्षेत्र हो, हर जगह आपको सिर्फ गरबा दिखाई देगा। नवरात्रि के 9 दिन तक सिर्फ गरबों की धूम होती है। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सभी की सभी महिलाएं भी मतलब पूरे जोश के साथ, उत्साह के साथ यहाँ पर गरबा कर रही है। तो दोस्तों ये मतलब माहौल ही एक ऐसा होता है गरबे का। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल मैं भी आ चुका हूँ, मैं गरबा नहीं, मैं तो डांस ही कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर अधिकतर जो लड़के थे वो डांस ही कर रहे थे सिर्फ मौज मस्ती के हिसाब से। पर फिलहाल मेरे आने का प्रोग्राम नहीं था, लेकिन मैं हमारी YouTube फैमिली के लिए आया था क्योंकि सबको दिखाना ज़रूरी था गरबा फंक्शन भी, तो इसलिए मैं यहाँ पर आया। और तो दोस्तों देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पर काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं, तो चलिए आप लोग भी हमारे साथ कर लीजिए इन्जॉय। हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली बिगड़े बना दे मेरे काम नाम रे। हे नाम रे
दोस्तों, वैसे तो मतलब नवरात्रि के 9 दिन काफ़ी धूम होती है और हर जगह मतलब यहाँ पर फंक्शन हो रहे थे, तो फिलहाल मतलब मेरा जाने का प्लान और जगह भी था, लेकिन नेहा की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी तो इसलिए हम नहीं जा पाए थे। और इसलिए यहाँ पर हम आपको एक ही मतलब बंधन गार्डन में आए, और बंधन गार्डन का व्यू भी इसलिए बताना ज़रूरी था क्योंकि फंक्शन था, गरबा भी एक तरह का फंक्शन मान लीजिए आप, नवरात्रों के जो धूम होती है वो दिखाना ज़रूरी था। तो फिलहाल इस वजह से हम लोग यहाँ पर आए ताकि आपको व्लॉग भी देखने को मिल जाए और यहाँ पर हम लोग बता सकें कि यहाँ पर किस तरीके की धूम होती है 12 में नवरात्रि के टाइम पर। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो व्यू है यहाँ पर वो काफ़ी अच्छा था, और यहाँ डीजे वगैरह सब कुछ बाहर से आया था, अहमदाबाद का डीजे था और आरजे थे वो जयपुर से थे। तो फिलहाल काफ़ी अच्छा माहौल था यहाँ का। और दोस्तों यहाँ पर एक नाइट के लिए सिंगर भी आए थे, लेकिन उस नाइट हम नहीं आ पाए थे, और यहाँ पर जिस दिन डीजे नाइट थी उस दिन हम लोग पहुँचे थे, हम लोग गए थे यहाँ पर अष्टमी के दिन। तो दोस्तों जो रामनवमी का व्लॉग होगा वो भी स्पेशल होगा, तो रामनवमी के दिन तो आप लोग ये वाला व्लॉग देखेंगे, लेकिन जो रामनवमी का व्लॉग है वो हम आपको दूसरे दिन दिखाने वाले हैं। तो आप इस बार दशहरे का व्लॉग भी आपको शानदार देखने के लिए मिलेगा, और जो आप सब लोग हमें प्यार दे रहे हैं, हमारी YouTube फैमिली जो हमें प्यार दे रही है, उसके लिए आपको दिल से थैंक यू। तो दोस्तों बने रहें आप लोग में, क्योंकि व्लॉग में अभी बहुत कुछ बाकी है।